नाथुराम जी मिर्दा ने कहा कि भाई नागौर के अंदर आपने बहुत सारे अधिकारी जाट समाज के लगा दिए, वो बहुत हाजिर जवाबी थे। सही कह रहा है भाई, मैं कल जेल में गया जो वहाँ भी अपने जाट वाले ज्यादा थे। निवेदन रहे श्रीमान भगवानाराम जी मांझू सेवानिवृत्त एडिशनल एसपी साहब। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि गुरु जम्बेश्वर सेवा संस्था में हमारी प्रार्थना पर ये एक अच्छी संस्था द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस संस्था को इस बात की बहुत खुशी है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, चंद बातें कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में बहुत प्रतिभाएं हैं और उन प्रतिभाओं को समय पर सहायता नहीं मिलने से और वो जिस स्थान पर पहुंचना चाहते थे वहाँ नहीं पहुंचने के कारण आज हम देख रहे हैं कि अपराध जगत में भी अपने समाज का कुछ बोलबाला आ रहा है। एक बार मुझे याद आ रहा है, नाथुराम जी मिर्दा किसी मंच पे कुछ भाषण दे रहे थे तो किसी ने कहा कि भाई नागौर के अंदर आपने बहुत सारे अधिकारी जाट समाज के लगा दिए, तो वो बहुत हाजिर जवाबी थे। उन्होंने कहा कि तू सही कह रहा है भाई, ये मैं कल जेल में गया जो वहाँ भी अपने जाट वाले ज़्यादा थे, वहाँ तो मैंने नहीं लगाए, ये तो ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा दिख रहे हैं। तो अपन तो वो भी प्ली नहीं ले सकते कि अपन ज़्यादा हैं इसलिए ज़्यादा दिख रहे हैं, जेल में भी ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ये जो संस्था समरातल फाउंडेशन ने जो ये प्रतिभाएँ चुन रहे हैं, इससे बढ़िया कोई काम समाज के लिए हो नहीं सकता, क्योंकि ये होनहार बच्चे अगर इनको ये प्रतिभाएं अगर इनको ये सहायता नहीं मिली तो बहुत सारी प्रतिभाएं जो आदर्श उन्हीं को मान रहे हैं, क्योंकि एक आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए एक बड़ा अच्छा साधन है। इसलिए लोग ज़्यादातर, मैंने मेरी सेवा के दौरान दो बच्चों को शराब बेचते हुए पकड़ा, उनको पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा ये हमने तो पहली बार किया, पहली बार ही पकड़े गए, आइंदा ऐसा काम नहीं करेंगे। मैंने कहा किया कैसे तुमने, तो उन्होंने देखा कि साहब शराब माफिया, अफीम माफिया, डोडा माफिया ये समाज में आते हैं तो इनकी एक अलग वक्त है, इनकी एक अलग पहचान है, ये समाज में मामेरा है, दहेज है, ओढ़ावणिया है, इतनी तकड़ी करते हैं कि इनकी वाह होती है। तो हमने भी देखा कि हम पढ़ तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं पर हमने देखा हम भी क्यों नहीं यही हाथ मार लें, पर हमारे किस्मत अच्छे नहीं थे तो हम पकड़े गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इन भावी प्रतिभाओं को अगर अपने समय पर नहीं संभाला तो ये स्थितियां पैदा हो रही है। इसलिए ये बहुत अच्छा मंच है और समाज के सभी जो यहाँ प्रबुद्ध जन बैठे हैं, मैं आग्रह करूँगा कि इससे अच्छी संस्था अपन को मिल नहीं सकती, जिनको खूब दोनों हाथों से सहायता करो कि इनका हौसला बढ़े और आने वाले समय में ऐसी प्रतिभाओं को आगे लाएं। इसके साथ ही मैं कुछ इस संस्था के बारे में, गुरु जम्बेश्वर सेवा संस्था के बारे में निवेदन करना चाहूँगा कि ये संस्था की परिकल्पना हमारे यहाँ बैठे हुए हैं मान्य खैराज जी, ये खुड़ाड़ा के सरपंच रहे हुए हैं और ये काफ़ी साल से प्रयासरत थे कि मैं एम्स के आगे कोई धर्मशाला बनावे। इसमें ये महासभा में वहाँ परिचय हुआ, मैं भी महासभा में था उस समय, तो सर्वप्रथम हमने महासभा से प्रयास करके और 21 लाख रुपए इस संस्था को दिलवाए जब इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था। उसके बाद में इसमें सहकारिता में रजिस्ट्रेशन करवाया और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में हमें भामाशाहों की तलाश थी, तो हमने पप्पू राम जी डारा से आग्रह किया कि क्यों ने आपको ही अध्यक्ष बनाया जाए जो इस संस्था को हम मजबूती से खड़ा कर सके, और इन्होंने इस बात को स्वीकार किया जिसमें ओपी जी दाहिल का भी बहुत बड़ा सहयोग था, और इन्होंने इस बात को स्वीकार करके इसको संस्था को आगे हमने 5 मेंबर से शुरुआत की और करीबन 4 करोड़ और 40 लाख रुपए में इस ज़मीन को ख़रीदा।
इस जमीन को खरीदने के बाद काफ़ी कंस्ट्रक्शन किया, ऑफिस बनाया, इसकी चार दीवारी बनाई, रसोई बनाई, और करीब करीब 100 रुपये यहाँ ठहरने का हॉल बना के और ये सुविधाएं दी, और 20 रुपये खाने के लिए चार्जेज रखा जो मिनिमम चार्जेज है। और अभी काफ़ी लोग इसमें इसकी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, जिसमें इवन हरियाणा और पंजाब के लोग भी यहाँ एम्स के कारण से इलाज के लिए आते हैं। इस संस्था के अंदर शुरू में सर्वप्रथम इतनी राशि जुटाना बहुत आसान नहीं था। ये प्लॉट जब देखा गया सबकी इच्छा हुई कि यही बड़ा प्लॉट है और यही लेना चाहिए, पर जब राशि देखी तो सबके गले से, पर लोगों ने हिम्मत की। सबसे पहले 51 लाख रुपए पप्पू राम जी डारान दिए, उसके बाद ओपी दायल साहब ने 11 लाख रुपए दिए, सुखराम जी बोड़ा ने 11 लाख रुपए दिए, रावल जी जानी ने 11 लाख रुपए दिए, मूल जी राव ने 11 लाख रुपए दिए, और देवेंद्र जी बूढ़िया ने 11 लाख रुपए दिए। ये हमारी बेसिक शुरुआत थी, और उसके बाद भामाशाह जुड़ते गए, और 5 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए तो बहुत सारे लोगों ने दिए हैं, उनका मैं आज बहुत बहुत ये संस्था उनके आभारी हैं। और ये संस्था में हमने निवेदन किया कि 3 साल पूर्ण होने पे हमें ATG का भी फायदा मिल चुका है, और अब कुछ ज़मीन साइड में छोड़ रखी है, उसमें 5 माले का प्रोग्राम के लिए हमने नक्शा अप्रूव के लिए JDA में दिया है, वो नक्शा अप्रूव हो जाए तो आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। यहाँ करीब करीब हम सभी ज़िलों से चंदा भूमि खरीदने के लिए एकत्रित कर चुके हैं, उसके बावजूद भी लोगों ने कहा है, आश्वासन किया है कि हम आपको एक एक कमरा बना के देंगे, इस तरह काफ़ी फहरिस्त आई है। अभी काफ़ी लोग यहाँ प्रवासी राजस्थानी भी बैठे हैं, मांगीलाल जी है भाई, किशन जी कुराड़ा है, लोम रोड जी बैठे हैं, हुक्मराम जी हैं, इनसे भी अब सेवाओं का हम मौका लेंगे। और आप लोगों ने अब तक जो मदद की और इस संस्था में जो भी समारोह में उपस्थित हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।